नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब है और इन दिनों उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबियत में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है और वो अब चल फिर पा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं चाहे विपक्ष के नेता हैं, लगातार उनसे मिलने के लिए दिल्ली एम्स पहुँच रहे हैं और उनसे मिलकर उनका हाल जान रहे हैं। ऐसे में अब तस्वीर सामने आई है कि वीआईपी के जो मुकेश सहनी वो आरजेडी सुप्रीमो से मिलने दिल्ली एम्स पहुंचे हैं, जिसके बाद से अभी ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बगावत करने वाले मुकेश सहनी वापस तेजस्वी के साथ सियासत करने को बेचैन नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब मुकेश सहनी ने दिल्ली पहुंचकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। लालू यादव से मुलाकात करते हुए मुकेश सहनी की तस्वीर सामने आई है। इसमें मुकेश पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू यादव का इलाज जिन दिनों दिल्ली एम्स में चल रहा है, लालू यादव से मुलाकात करने वाले बड़े नेता लगातार दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं और मुकेश सहनी ने भी दिल्ली पहुंचकर लालू यादव से मुलाकात की है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और लालू यादव की तबीयत का हाल जानने के बहाने सहनी ने नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। खुद मुकेश सहनी इसके पहले कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े योद्धा रहे हैं। लालू यादव को अपना राजनीतिक आदर्श भी मुकेश सहनी बता चुके हैं। एक दौर था जब मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बगावत कर दी थी। तब मुकेश सहनी बड़े पॉलिटिकल गेनर साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ न केवल ज्यादा सीटों पर तालमेल किया बल्कि उनके 4 विधायक भी जीत गए। बाद में मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्ते खराब हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने सहनी के 3 विधायकों को बीजेपी में विलय करा दिया। वहीं सहनी की पार्टी का अस्तित्व बिहार विधानसभा में खत्म हुआ तो बीजेपी ने नीतीश कुमार से कहकर उन्हें कैबिनेट से भी बाहर निकलवा दिया। अब मुकेश सहनी भविष्य की राजनीति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में उन्हें एनडीए के अंदर एंट्री मिलनी मुश्किल लग रही है, लिहाजा महागठबंधन के करीब जा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।